महिला बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन वैष्णव इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। इंदौर के नेशनल बास्केटबॉल अकादमी में दिनांक 8 से 12 नवंबर 2022 तक खेली जाने वाली पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन वैष्णव इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों के लिए सर्व सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्पर्धा में शामिल होने के लिए गोवा, मुंबई, पूना टीमें पहले ही पहुंच चुकी है। बहुत अंतराल के बाद विक्रम विश्वविद्यालय की बास्केटबॉल टीम में राष्ट्र खिलाड़ी के रूप में खेल चुकी खिलाड़ियां शामिल की गई हैं, जिससे टीम में अधिक उत्साह है। कप्तान आकांक्षा शर्मा 3 पॉइंट की बेस्ट शूटर हैं। हर्षिता राय खेलो इंडिया खेलो टीम की चयनित श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना चुकी है। फीडर के रूप में महक भार्गव, रिया करड़वाल, पलक अग्रवाल, अंकिता गोंदिया, इतिशा खलोटिया, प्रज्ञा राय, लवली चोपड़ा, पूर्वा परिहार व हेमलता कुमावत का बेहतर तालमेल है। टीम की प्रमुख चयनकर्ता डॉक्टर संजीत राय, संगीता सुपेकर, डॉक्टर साधना निर्भय के मार्गदर्शन में बेहतर टीम का गठन किया गया है। खेल निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र चावड़े, डॉक्टर भूषण केकरे, विक्रम डाबी के सफल कार्य संचालन से खिलाड़ियों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ट्रैक सूट, ब्लेजर एवं कीट आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों में हर्ष है। टीम के प्रशिक्षक विजय बाली को नियुक्त किया गया है, साथ ही सुरीता यादव व मैनेजर डॉक्टर समता मेहता रतलाम को नियुक्त किया गया है। टीम को विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे, कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक ने टीम व कोच को शुभकामनाएं दी। विक्रम के दल को ग्रुप डी में रखा गया है। उनके नाम विजय बाली जी बताएं कि कौन कौन से विद्यार्थी पहले भी राष्ट्रीय स्तर की किसी भी गाँव में हिस्सा ले चुका है। मैं उम्मीद करूँगा कि विजय बाली जी को उनके नाम बताएं। इसमें जेन इसमें अधिकतर लड़कियाँ राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। विक्रम का सौभाग्य है कि इस बार टीम को अच्छा मतलब मजबूती प्रदान लेके बेहतर खेल करके हम जीतेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैच। सर, विक्रम विश्वविद्यालय में जो बास्केटबॉल की टीम खेलने जा रही है, किस तरह की कितने मेंबर हैं, क्या प्रतियोगिता रहेगी, कब तक चलेगी और क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? आज विक्रम विश्वविद्यालय का बास्केटबॉल महिला दल जो है वो इंदौर पश्चिम क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और ये प्रतियोगिता इंदौर के वैष्णव विद्यापीठ में आयोजित होगी। कल प्रथम मैच होगा और इसमें नॉकआउट मैच होंगे। साथ ही हमारे यहाँ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 12 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। 12 में से इस बार कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पहले भी हिस्सा ले चुके हैं। इस बार की टीम हमें पिछले कई बार की उससे ज़्यादा मजबूत नज़र आती है और शायद इस तरह की संभावनाएँ हमको ज़्यादा दिखाई देती है कि इस बार हम कुछ मेडल हासिल कर सकें। व्यवस्थापक के रूप में इस टीम के साथ में समता मेहता जी और प्रशिक्षक के तौर पर सुनीता यादव जी और सहायक प्रशिक्षक के तौर पर जो है विजय बाली जी उनके साथ में रहेंगे। कप्तान के तौर पर टीम के आकांक्षा शर्मा होंगे और हम उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि वो मैच में कुछ अच्छा करेंगे और विश्वविद्यालय का नाम करेंगे और संभावना ज़्यादा बनती है इस बार कि कोई मेडल हमको प्राप्त होगा तो विश्वविद्यालय का नाम होगा। धन्यवाद। टीम लेकर इंदौर जा रहे हैं, 12 मेंबर की आपकी टीम है, किस तरह से आपने तैयारी की, क्या मेहनत इसके लिए की और क्या आपका लक्ष्य है? हमारा 8 तारीख से संभाग हुआ था, 8 तारीख को संभाग हुआ था, उसके अगले दिन से जब चयन हो चुका था प्लेयर्स का, उसके बाद हमारा कैंप लग रहा है अभी तक और अब कल जाना है, आज जाना है हमको। हाँ, बोलती जाती टीम लेके और फिर हमने प्रैक्टिस तो पूरी करी है और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मेडल लगे। कितना आपने इसके लिए मेहनत की, कितने कितने घंटे इसके लिए आपने प्रयास किया? मैक्सिमम 2.5 घंटे तो रहता था प्रैक्टिस के लिए। हाँ। शाम को रोज। क्या लक्ष्य आप तय करते हैं इसके लिए, किस तरीके से आप सामने वाली टीम को बीट कर पाएंगे? जितनी कोशिश होगी उस हर तरीके से बीट तो करना ही है मेडल के लिए, ऑल इंडिया क्वालिफाई करने के लिए। आपका नाम बताइए। आकांक्षा शर्मा।